तो फाइनली जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सप्ताह में एक दिन रविवार का दिन आता है, और उसी रविवार के दिन के शाम वाले इस वीडियो में, संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, इस हफ्ता भी कई सारे क्वेश्चन कमेंट आप लोगों के द्वारा पूछे गए हैं। इस बीच कई लोग नए सब्सक्राइबर, नई बहने आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है चैनल पर जुड़ी हुई, उनको मैं बता दूं रविवार के शाम को यानी इस टाइप के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में जो है पिछले एक सप्ताह के दौरान आप लोगों द्वारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर जो है वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। आपका कोई जरूरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो जहां भी कमेंट कीजिएगा लिख दीजिएगा कि इसका आंसर संडे कमेंट्स में दे, ताकि उसको सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। संडे कमेंट स्पेशल वीडियो का पहला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं, उससे पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा, आप लोग याद कीजिए 29 तारीख का डेट। जी हां, यही 29 तारीख, पिछले महीने का 29 तारीख, 29 सितंबर का डेट, जब से हड़ताल शुरू हुआ था, और आज 29 अक्टूबर है 29 अक्टूबर है, पूरा एक महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक लड़ाई जारी है। हालांकि इस दौरान ICDS की ओर से, समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रयास किया गया कि वार्ता करके इसको जो है हड़ताल को समाप्त किया जाए, और या फिर किसी प्रकार से जो है समझौता किया जाए, जो मांगे उस पर विचार किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं संघ के द्वारा ये निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहा था कि सिर्फ आश्वासन देने से इस पर काम नहीं चलेगा, लिखित आदेश चाहिए, क्योंकि हर बार विभाग आश्वासन दे करके सेविकाओं सहायिकाओं को ठगता है। तो यहाँ पर पूरा एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी लड़ाई शायद लंबी चलने वाली है। खैर, जो भी होगा वो आगे की बात होगी। मैंने आपको 29 तारीख का डेट इसलिए याद करवाया क्योंकि जो है एक महीना हड़ताल का हो गया, और हड़ताल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन संडे कमेंट में काफ़ी ज़रूरी आए हुए हैं। गिरधर पंडित नाम से आया हुआ क्वेश्चन लिखा गया 28 अक्टूबर 2023 यानी कल, सविता कुमारी यादव के द्वारा हड़ताल समाप्त कर दिया गया है, और शिवहर डिस्ट्रिक्ट में भी, इस विषय पर संडे को बताएं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर संघ के पहली बात कि बिहार में जो भी यूनियन आंगनबाड़ी के यूनियन हैं, 1 2 3 4 जितने भी हो, सभी को एक मत के साथ एक तरह से एकजुटता से लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 5 जिले का कोई और यूनियन है, 10 जिले का कोई और यूनियन है, और 20 जिले का कोई और यूनियन है। कुछ यूनियन जो है कहता है कि हड़ताल होना चाहिए जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, किसी यूनियन के लीडर ये कहते हैं कि नहीं हड़ताल समाप्त कर दिया जाए, तो ऐसे किसी का भी भला नहीं होगा, क्योंकि काम अगर कुछ जिलों में हो रहा है, कुछ जिलों में नहीं हो रहा, तो विभाग सरकार भी समझेगी कि कहीं ना कहीं बहुत जल्द सभी सेविका से काम करेंगी। अब देखिए, इनको तो मैं उतना अच्छे से नहीं जानता, सविता कुमार यादव, हालांकि जो लिखा गया कमेंट, इस कमेंट का मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर जब तक मुझे हड़ताल समाप्त करने का ऑफिशियल लेटर पत्र जो है इनके संघ के द्वारा नहीं मिल जाता, तब तक आपको यही मानना है कि हड़ताल चल रहा है। मौखिक रूप से कहने से नहीं होता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति या फिर संघर्ष समिति मोर्चा जो भी है, वो उसके संबंध में उनका जो भी निर्णय होता है, हड़ताल कैसे करना, क्या करना, कब कहाँ क्या प्रदर्शन करना है, उसका लेटर आता है। इनका लेटर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, कहीं भी किसी को व्हाट्सएप द्वारा नहीं भेजा गया है, तो आपको जो है यहाँ पर मुझे फिलहाल को इसके बारे में पुष्टि नहीं मिल पा रही है। आप लोगों के बारे में, अगर इनके बारे में हड़ताल समाप्ति के बारे में कोई सूचना है तो कमेंट नीचे करके जरूर मुझे बताइएगा, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संडे के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग आया हुआ है, इंजॉय प्रोग्राम नाम से आया हुआ है। देखिए, लिखा गया है, ये काफ़ी आप सभी को जानकारी इससे मिलेगी, लिखा गया है कि अतुल भाई आज नया नंबर से फ़ोन आ रहा है, पटना से बोलकर कॉल आता है, पोषण ट्रैकर ऐप का OTP लिया जा रहा है, और कई सेविका गलती से OTP दे भी दिया, अब क्या करें प्लीज़ बताइए, उसका नंबर भी है सेविका के पास, पूछने में बता रहा है लाभार्थियों के अकाउंट में पैसा भेजेंगे। सबसे पहली बात, आपसे अगर विभाग किसी भी प्रकार का जानकारी लेता है, और उससे बड़ी बात OTP, ये वन टाइम पासवर्ड है, हो सकता है कि कई सेविकाओं से ये कहा गया हो फ़ोन करके, ये जालसाज हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकते हैं, हो सकता है ये बोल रहे हो कि ICDS ऑफिस से मैं बोल रहा हूँ और आपसे OTP पूछा गया, पोषण ट्रैकर ऐप का पैसा भेजा जाएगा, हो सकता है कि वो OTP पोषण ट्रैकर ऐप का किसी प्रकार का ना हो करके उनके बैंक अकाउंट के संबंध में OTP हो, और OTP बताने ही आपका बैंक खाली हो जाएगा। ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं OTP देने के संबंध में ICDS की ओर से फ़ोन आता, तो कहीं ना कहीं इसका ऑफिशियल लेटर आता, न्यूज़पेपर में इसका पूरा सूचना आता कि आप सभी से सेविकाओं से कुछ जानकारी ली जाएगी। लेकिन आपको ध्यान देना है, चाहे बैंक हो या कोई भी विभाग हो, किसी भी प्रकार का OTP आपसे नहीं मांगता है, किसी भी कीमत पर आप OTP नहीं दें। ज़्यादा अगर आपको विश्वास हो रहा है तो एक बार जाके अपने ICDS ऑफिस में जरूर कन्फर्म कर लें। और बात रही कि लाभार्थी के अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा, तो लाभार्थियों के अकाउंट में पैसा भेजा तो सेविका से ये सारी जानकारी क्यों ले जा रही है,
ऑलरेडी सारा डाटा जब सरकार के पास है, विभाग के पास है, तो ओटीपी आपको किसी भी कीमत पर नहीं बताना है, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट, और उसी कमेंट का तुरंत रिप्लाई जो है एक सेविका बहन के द्वारा आया हुआ है। लिखा गया है कि आपको क्या लगता है अतुल जी, हड़ताल से हम लोगों को कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, संडे को बताएं। मैं इनको कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा, लेकिन नीचे जो है वो एक अन्य यूजर के द्वारा, व्यूअर के द्वारा कमेंट कर दिया गया है, रिप्लाई दे दिया गया है, कुछ तो होगा ज़रूर, हम सब सेविका का मेहनत बेकार नहीं जाएगा। देखिए, आपको याद होना चाहिए कि उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है, और जिस प्रकार अभी तक लड़ाई चल रही है, जब तक एकजुटता एकता बनी रहेगी तब तक उम्मीद आप जरूर कीजिए। मैंने आप सभी को पूरा डिटेल में एनालिसिस के साथ बताया था कि 3 नवंबर को जो बिहार सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है विधानसभा सत्र के जस्ट पहले, उसमें उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद रखिए जरूर। और यहाँ पर लिखा गया कोई फायदा होगा या नहीं होगा, देखिए ये आपके हड़ताल के स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की मांगे हैं, कौन सी मांगे जायज़ है, और सरकार इस पर कब तक विचार करती है, ये सारी चीज़ें होगी। और ये बिल्कुल सही लिखा गया कि मेहनत बेकार नहीं जाएगा। भले ही ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने 25,000 की मांग की हो, लेकिन सरकार जो है 17,000 18,000 15,000 ही करें, लेकिन कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, वो हड़ताल के स्ट्रेटजी और एकता एकजुटता पर निर्भर करेगा। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस के आंसर से आपको भी जो डिस्कशन होता है उससे आपको भी कुछ न कुछ जानकारी सीखने को मिलती होगी। इसके अलावा भी मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया, वहां पर भी मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।